टाइम खरीदा था मैंने ये वाला घर और अब मेरे को भाई उस कंटेनर में बिल्कुल भी नहीं रहना। वैसे जितने का ये घर था भाई उतने पैसे तो ना जाने मेरे पास कितने दिनों से थे, लेकिन फिर भी मैंने नया घर नहीं खरीदा था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मेरे पास बहुत ही बढ़िया आलीशान सा घर हो चुका है जिसके अंदर भाई घर के नाम पे बस एक बेड है बड़ा सा और कुछ खास नहीं है इसके अंदर। वैसे गाइस तुम लोग सोचोगे कि भाई कल भी वीडियो आज भी वीडियो, क्योंकि ये जो वीक आने वाला है गाइस, ये जो वीक शुरू होने वाला है ये होने वाला है फ्लाइट्स वीक। इसके साथ के साथ वो दिन डेली वीडियोस आने वाली है। यस गाइस इस पूरे के पूरे वीक एवरीडे सिंगल डे रोज वीडियो आएगी, और क्योंकि ये वीक होने वाला है फ्लाइट्स वीक इसीलिए उसके बाद नॉर्मली जैसे दो तीन दिन पे वीडियोस आती है वैसे ही आएंगी, बट इस वाले वीक डेली तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। फ्लाइट्स वीक को एंजॉय करो और मैं भी एंजॉय करता हूँ इस कार फॉर सेल गेम को। वैसे लास्ट टाइम मेरे संग एक बहुत ही अल्टीमेट ट्रेजेडी हुई थी भाई, मेरी जो ब्लू कलर की सुपरा थी उसको मैं ले गया था रेस पे लगाने के लिए और मैंने बेट पे ही डायरेक्ट वो गाड़ी लगा दी और अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी सुपरा हार गया था लास्ट टाइम। कोई बात नहीं, दोबारा बदला लेंगे भाई, बदला लेंगे, क्योंकि मैं बदला लेने के लिए एक सुपरा नहीं ला चुका था। कहाँ है मेरी सारी की सारी गाड़ियाँ? लास्ट टाइम मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ खरीदी थी, पता नहीं बहुत सारी खरीदी थी या दो खरीदी थी, एक सेकेंड दो खरीदी थी शायद मैंने, एक है अपनी एक फरारी और एक है ये सुपरा बदला लेने के लिए। पहले ये रिपेयर करवाते हैं जरा फरारी को, थोड़ी बहुत ये भी डैमेज है, चलो रिपेयर करवा देते हैं फटाफट। और आज का मेरा प्लान सुनो भाई, आज का मेनली प्लान यही है कि मुझे अपने शोरूम पर मतलब गाड़ियां लानी है, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां लाने पर फोकस करना है और बीच बीच में मुझे ड्रैग रेसेस भी करते रहना है, वो भी बेट, गाड़ी पूरी बेट पे लगा के, तभी मजा आएगा भाई, वरना तो $2-4 तो देते हैं वो ड्रैग रेस में जीतने के बाद। कलर रखते हैं बिल्कुल एकदम, ओहो पर्पल सुपरा तो ऐसी किसी ने देखी ही नहीं होगी भाई। चलो थोड़े बहुत अपग्रेड्स करवाते हैं क्योंकि मैं बेट पे लगाऊंगा ये गाड़ी अगर रेस के लिए जाऊंगा तो, मुझे क्योंकि अपना रिवेंज लेना है भाई। ब्यूटीफुल तो लग रही है भाई कुछ भी कहो। अरे ये गेट का थोड़ा टेक्सचर बदल गया मेरे को, ऐसा क्यों लग रहा है भाई? सीरियसली मैं गाइस गेट का टेक्सचर बदल गया और कुछ और भी बदल गया, एक सेकेंड ये शोरूम के अंदर अंधेरा सा कैसे हो गया? हाँ भाई कुछ वेदर में भी अपडेट आया है मेरे को लगता है, देख रहे हो धीरे धीरे शाम हो रही है तो कैसे मौसम सा बदल रहा है। ये देखो ये पूरा दरवाजा ही चेंज हो गया इसका टेक्सचर ही। यस मेरे को लग रहा भाई धीरे धीरे करके शोरूम के अंदर और भी अपडेट्स आ रहे हैं। ये देखो शीशा भी बिल्कुल बदल गया यार, पहले वरना दोनों ग्लासेस के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं पता चलता था, लेकिन अब डिफरेंस क्लियरली पता चल पा रहा है भाई। इस वाले अपडेट से मेरे शोरूम का लुक थोड़ा अजीबो गरीब हो गया, चेस बोर्ड लगने लग गया। अब कलर कर दे ब्रो फरारी का कुछ बढ़िया सा, थोड़े बहुत अपग्रेड्स। अभी फिलहाल शाम होने वाली है, मतलब रात होने वाली है, 8 बजे रात होती है, 6:30 बज चुके हैं। काम करता हूँ जरा रेस पे से देख के आता हूँ, तो बढ़िया बढ़िया रेस वेस आई है क्या? रेस आई होगी तो कर लेंगे भाई, दिक्कत किस बात की है? नहीं भाई कोई रेस नहीं, वापस चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आज भी मेरे पास कुछ खास टास्क नहीं है करने के लिए, यू हैव अनपेड बिल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं। काम करता हूँ इसको डायरेक्ट शोरूम पे भेजता हूँ और मैं बस पकड़ के चलता हूँ, वरना ऐसे बहुत टाइम लगेगा ऑफिस जाने में। यार ये जो टेक्सचर बदल दिया ना भाई ग्लास का, और इसका शोरूम का लुक थोड़ा अजीब गरीब हो गया, तुम लोग खुद देखो पहले से पूरा चेंज हो गया लुक। ये वाले शीशे तो लग रहे हैं भाई शीशे हैं, ये वाला तो लग भी नहीं रहा, यहाँ पे कोई शीशा है लिटरली में लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक अलग से वॉल लगानी पड़ेगी या तो कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे, बाद में चेंजेस करेंगे, अभी तो पैसे कमाने पर फोकस करते हैं और रेसेस करने पे। कल तो कुछ मिला ही नहीं भाई, आज सुबह सुबह चलते हैं, कुछ बढ़िया सी रेस मिल जाए मजा आ जाएगा। रेस है तो लेकिन फालतू की रेसेस है, जरा से तो पैसे लगाते हैं ये लोग, $200 के लिए मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ यहाँ पे? हैं आंटी जी चलो लगा ही लेते हैं एक रेस तो, क्या ही बेइज्जती वाली बात है, फरारी से मैं वो डब्बे वाली गाड़ी की रेस लगा रहा हूँ। अरे हरा दिया भाई हरा दिया तुझे, निकल यहाँ से अभी तो फिलहाल, निकल ब्रो निकल 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 ना। ओ भाई नहीं उसकी भी रेस अच्छी थी भाई, कोई बात नहीं मैं फिर भी जीत गया, टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे तो रेसेस करके। फरारी को लगा देते हैं सेल पे, 1,80,000 की लाया था मैं, 5,00,000 तो मिल ही जाएगा, 5,47,000 मैक्सिमम मिल सकता है। चलो भाई सेल पे लगा दी, थोड़ी बहुत साफ सफाई। अरे बड़ी जल्दी आ गई आंटी, वो भी डायरेक्ट फरारी के लिए, क्या बात है भाई, फरारी एक इतनी बढ़िया गाड़ी है भाई, कस्टमर एकदम आराम से मिल जाते हैं यहाँ पे भाई, कभी भी फरारी लाओ बंदे रात को भी फरारी खरीदने के लिए आ जाएंगे, ऐसे पागल हो रखे हैं बंदे फरारी के पीछे। 547 का प्राइस रखा है, 431 में मांग रही है आंटी जी। देखो 510
कहीं नहीं गया आपके। 5,10,000 में ले जाओ ये गाड़ी, बढ़िया ऑफर है, बढ़िया डील है यार, ज्यादा लग रहा है इन्हें। चलो 5,00,000 में ले जाओ, चलो तो बढ़िया ऑफर है, अब तो बढ़िया डील है, चलो ले जाओ यार, दिमाग खराब मत करो मेरा, ले जाओ, बहुत ही बढ़िया। वो भाई साहब आ रहे थे, निकलो यहाँ से, बिक गई गाड़ी। यार ये कचरा करता कौन है यहाँ पर, कस्टमर एक आते हैं कैन इतनी सारी फेंक के जाते हैं। सो के चलते क्योंकि आज कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए है नहीं। अरे 12 बजे से पहले नहीं सो सकता मैं, ये कौन सी बात होती है भाई। चलो थोड़ी देर में 12 बज जाएंगे, तब तक मोहल्ले में ढूंढते हैं कोई गाड़ी वाड़ी मिल जाए। यार मेरे मोहल्ले वाले बिल्कुल अभी गरीब हो रखे हैं, इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं, एकदम भिखारी हो रखे हैं भाई, बिल्कुल एकदम सस्ती सस्ती लोकल लोकल, जितनी सस्ती गाड़ी तुम लोग सो सकते हो उतनी सस्ती। बताओ $7,500 की गाड़ी लेके मैं करूँ क्या, $1,000 भी मुश्किल से फायदा नहीं होगा, इसलिए इनके पास आने का कोई फायदा नहीं है। चलो 12 बजे सोते हैं। चलो आज कार मार्केट प्लेस ओपन है, ये बढ़िया चीज है। घर में चोरी होने लायक कुछ है, ये पेंटिंग्स महंगी महंगी तो नहीं है, पता नहीं भाई, ये वास महंगा है, ये लैंप कुछ भी महंगा सा नहीं है, दरवाजा खोल के ही चलते हैं भाई। यार वेदर में कुछ तो चेंज आया है, देखो अब सुबह थोड़ी सुबह जैसी लग रही है, वरना पहले सुबह शाम में कोई अंतर ही नहीं था। अरे ये कैसी गाड़ी है भाई, अरे कितनी बेकार हो रखी है, तो 100% डैमेज लग रही है मेरे को, 0% डैमेज है। अच्छा गंदी इतनी है ये कि इतनी बेकार लग रही है, इसको ले लूँ क्या मैं? चलो यार इसको लेके देखते हैं कितना हम लोग इसको बेच सकते हैं, कितने महंगे प्राइस में, या फिर कैसी लगती है वो साफ होने के बाद। $24,000 में मांगता हूँ, चलो भाई मान गया ये। आई हैव नो आइडिया मैंने ये गाड़ी क्यों खरीदी है, बट मैंने बस खरीद ली है। वो मार्केट प्लेस चलते हैं, कार मार्केट वालों बढ़िया 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 डील दे दो मेरे को, दिल खुश हो जाएगा मेरा। बड़ी ओए लगता है बढ़िया डील आई है, फरारी ऑडी प्लस ऑडी, अरे वाह यार यही तो चाहिए लाइफ में, और चाहिए क्या। और 13,000 की ऑडी है, ऑडी S5 है ये ऑडी R8 नहीं है, मतलब ऑडी RR। अच्छा ये ज़्यादा अंतर कहाँ है यार दोनों गाड़ियों में, बताओ ये 13,000 की है और ये 5-6 लाख की हो गई है, आराम से 5-6 लाख, देखो भाई 6 लाख की बेच रहा है बंदा। सर जी $5,00,000 में दे सकते हो तो बता दो। सर जी देखो $5,00,000 बढ़िया, वो मान गए तो $5,00,000 में सच में ही, तो ये ऑडी हो गई मेरी, बेचते हैं रिपेयर पे, ये फरारी भी ले लेते हैं, बिकी जाती है यार 273 में। आंटी जी देखो डैमेज है आपकी 30%, तो 2,00,000 में तो बनता है आपका, देखो आंटी 2,00,000 में फरारी दे दो, चलो बात खत्म, सारी बात यहीं खत्म हो जाती है, आई एम सॉरी। तो देखो आंटी जी 2,10,000 तो बेस्ट प्राइस है, डैमेज आपकी 30%, ये तो याद रखो एटलीस्ट। अरे भाई तो 2,25,000 में चलो दे जाओ भाई, 2,25,000 में, ओके नाइस मिली गई, चलो बेकार डील नहीं कहेंगे इसे, भी बढ़िया डील है, और क्या ही ले लूँ मैं यहाँ से। ये कितने में बिकेगी, BMW लग रही है कूपे, 59,000, लगता नहीं है किसी और पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये टेस्ला देखते हैं, ले ही लेते हैं, शोरूम खाली तो पड़ा है यार, 55 की बोल रहा है, 45 की या फिर 42 की मांगता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड भी है इसकी, दे देगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है, नहीं देगा इतने में, 45 में दे दे फिर, चल चल 45 बढ़िया है, नाइस। एक और खरीदना चाहूँगा मैं, ये वाली BMW कूपे, आई नो सस्ती सी है लेकिन कोई बात नहीं, डैमेज है इतनी, ये डेफिनेटली मुझे 47 में तो दे देगा, 50 में दे दे, 47 नहीं तो भाई, चल चल थैंक यू भाई साहब। गाड़ियों तो फटाफट खरीद रहा हूँ मैं बहुत सारी भाई, शोरूम में एकदम तबाही चल रहा है, तुम लोग कुछ खरीद भी लिया करो भाई, हैं बे कभी जिंदगी में खरीद लिया करो, यहाँ पर बेमतलब में आके बस बातें करते रहते हो। ओहो गाड़ियाँ तो बहुत सारी हो गई हैं, एक एक करके सबको पेंट करवाते हैं, रिपेयर करवाते हैं और शोरूम के अंदर ले जाके रखते हैं। सस्ती वाली डॉज, चलो भाई बढ़िया है, कलर सारी किट विट लगवा दी, इसको शोरूम में ले जाके रखते हैं फटाफट। यार कचरा सच में कौन करके जाता है, रात रात में कौन आके इधर पी के फेंक के जाता है भाई, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह कैन वगैरह शोरूम में भाई, हर डायरेक्शन में दरवाजे करने पड़ेंगे, बड़ी दिक्कत हो रही है भाई गाड़ी लाने में। कलर करवाते हैं इसका वाइट, वाइट तो ठीक ही है भाई कलर इसका, वाइट कम सिल्वर ज़्यादा लग रही है ये, ड्रिफ्ट किट बस इतना काफ़ी है और कुछ भी नहीं लगवाना है मेरे को ज़्यादा। इसको ऊपर लेके चला जाऊँ क्या, महंगी गाड़ियाँ सारी की सारी ऊपर, लेकिन यार फिर कस्टमर आने में उतना ही टाइम लगेगा, नहीं नहीं इधर ही रखते हैं, एटलीस्ट $10 million तक तो पहुँच ही जाऊँ मैं, बहुत दूर है अभी $10 million तो, लेकिन पहुँच ही जाएंगे कभी ना कभी तो। टेस्ला कितनी शांत है, कुछ आवाज़ ही नहीं है भाई इस गाड़ी की, अरे डैमेज नहीं थी और मैंने डैमेज कर दी,
गोल्डन टेस्ला, महंगी बिकनी चाहिए ये तो फिर। हाँ भाई सीधी सी बात है, गोल्ड पूरी गोल्ड की लग रही है, कोई कह नहीं सकता है कि ये गोल्ड नहीं है। ये डेफिनेटली महंगी बेचूंगा मैं, गोल्ड के नाम पे तो महंगी बिकनी चाहिए। और इतनी सारी किट विट पता नहीं क्या क्या लगवा दिया मैंने दुनिया भर का, ये तो आवाज ही नहीं पता चल रही है भाई। इंजन कब चालू हुआ, इंजन कब बंद हुआ। अरे भाई धीरे धीरे करके गए, शोरूम फिल तो हो रहा है भाई गाड़ियों से, देखो लग रहा है कि हाँ भाई गाड़ियों का बेहतरीन सा शोरूम है। फरारी भी हो गई है रिपेयर, चल ब्रो एकदम डार्क ब्लैक, वो भी फुल एकदम पॉलिश के साथ। भाई बढ़िया लग रही है ब्लैक कलर की फरारी तो, हमेशा रेड फरारी येलो फरारी नहीं, इस बार ब्लैक फरारी। अब बची है मेरी लास्ट गाड़ी, रात होने वाली है लिटरली में। अरे नहीं नहीं मेरे को फटाफट से उसमें पहुंच के और पेंटिंग के लिए लगा देनी है, बस बस नहीं हो पाएगा मेरे को लग रहा है ये पेंट हो पाएगा। जब तक यहाँ तक पहुँचूंगा मैं रात हो जाएगी, जल्दी कम ऑन, 10 सेकंड, 8 सेकंड, 7 सेकंड, 4 सेकंड, जल्दी जल्दी कम ऑन कम ऑन, गायब होने से पहले गायब होने से पहले गायब होने से पहले। अबे यार वो गायब हो गए लिटरली, मैं सिर्फ 2 सेकंड से चूक गया मैं। चलो सो के आता हूँ मैं फटाफट, या फिर रुको थोड़ी बहुत एक्सपी कलेक्ट करने का मेरे को तरीका पता है, मैं गाड़ी साफ कर लूँ ताकि सुबह आऊंगा तब तक गाड़ी गंदी हो चुकी होगी और फिर फ्री की एक्सपी दोबारा गाड़ी साफ करके। पता चला गाड़ियाँ साफ करते करते ही सुबह हो गई सुबह 11 बजे से ही ऑक्शन है। चलो ऑक्शन भी देखते आएंगे, पहले इस वाली गाड़ी को जो कल रात को एकदम लास्ट बच गई थी उसको ज़रा पेंट करवा दूँ मैं। पिंक कलर मैंने आज तक किसी भी गाड़ी का नहीं करवाया, पिंक करवाते हैं इसका कलर। हाँ देखो मैंने कल रात को सारी गाड़ियाँ साफ करी थी एक्सपी कलेक्ट करने के लिए, लेकिन ये वाली नहीं करी थी क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि ये कितनी ज़्यादा प्यारी लगती है साफ होके। ये देखो भाई साहब, एक सेकंड ये डैमेज है क्या? नहीं भाई ये सब गंदगी है इसकी। ओए ये डैमेज है, हेलो। अरे डैमेज तो नहीं दिखा रहा फिर भी इधर, अरे यहाँ डैमेज नहीं दिखा रहा है, यहाँ डैमेज दिखा रहा है, लेकिन यहाँ भी 0% डैमेज दिखा रहा है। क्या ड्रामा है इस गाड़ी का, फ्रंट ऐसा अजीब सा क्यों है इसका? वैसे यार अभी तक तुम लोगों ने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो फटाफट से। यस जल्द से जल्द हमें 100K तक पहुँचना है। इन सारी गाड़ियों को बेचेंगे एक बार ऑक्शन में होके आते हैं, जरा देखते हैं क्या मिल रहा है वहाँ पे। तो कोई, अबे ये कौन सी गाड़ी है छोटी सी बिल्कुल, ये कोई SUV है, ये कौन सी गाड़ी है? ओए वेट लैम्बोर्गिनी है, चलो लैम्बोर्गिनी मैं लेने वाला हूँ यहाँ से। और ये चौथे वाले को, अबे ये क्यों खाली है? अच्छा ऑक्शन शुरू हो गया इसलिए वो खाली है। अबे देख लिया तो भाई क्या क्या कौन सी गाड़ी है वो? चलो ये तो SUV है कोई सस्ती सी, मैं वो लैम्बोर्गिनी खरीदने वाला होगा, इस 5 लाख में आ जाएगी वो, फायदा हो जाता है उससे, 10 लाख मिल जाते हैं डायरेक्टली अपने को, इसलिए उस लैम्बोर्गिनी के लिए मैं आ चुका हूँ यहाँ ऑक्शन में। तो बिड स्टार्ट कर दो भाई, मैं लगाने वाला हूँ उसके लिए बिड। ये रहा मैं, 4:24 पे बिड पहुँच गई। अबे लेने दो मेरे को ये गाड़ी भाई, पागलों मेरे शोरूम से खरीद लेना यार मेरे को, अभी फिलहाल ले लेने दो। 3:31 से बिड 4:51 पहुँच गई है। ओके फाइनली मेरी, चल हट यहाँ से, यहीं से जब तक ये खत्म हो रहा है भाई क्या ये ऑक्शन, यहीं से हम लोग अपने शोरूम की गाड़ियाँ सेल पे लगाते हैं। तो सबसे पहले सुपरा तो नहीं लगानी है, ये डॉट चार्जर 24,000 की खरीदी है मैंने ये, तो ये मैं लगा देता हूँ 50,000 में, मैक्सिमम 50,000 तो मिल ही जाएगा इसका, मैक्सिमम 41,000 मिलेगा। चलो 41,000 लगा देता हूँ, 42,000। ऑडी RR इसका मैक्सिमम अपने को 911 मिल सकता है, तो चलो 9,11,000। फरारी में लगा देता हूँ ऑब्वियसली, 5:48 की बिक जाती है ये। ये सही है यार, ये कार सेल मतलब कार सेल प्राइस फाइंडर हेल्प कर देता है ये बहुत ज़्यादा। वैसे तुम लोगों के पास और कोई टिप्स है तो जाकर कमेंट में ज़रूर बताना भाई, तुम लोगों के टिप्स से शायद मैं कल को बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊँ। टेस्ला भी लगा दी, अब कूपे की बारी है, कूपे 1 लाख की लगा देते हैं, 1 लाख में तो बिक ही जाएगी मैक्सिमम, 1,57,000 की बिक जाएगी वो तेरी, बताओ मैं अब 1 लाख में लगा देता, वो लोग आके डायरेक्ट मेरा प्राइस देते और ले जाते, कितना ज़्यादा बैड चीज़ हो जाती है। फटाफट से बहुत सारी गाड़ियाँ बेचते हैं यार, पहली बार जब से मैंने ये नया शोरूम बनाया तब से पहली बार इतना भरा हुआ है मेरा शोरूम गाड़ियों से, लिटरली मैं कस्टमर देखो गाड़ियाँ इतनी सारी हैं। देखो भाई ये है भाई ऑडी R8 के लिए, 9,11,000 मांग रहा हूँ मैं, 5:48 चल, शक्ल देखिए अपनी। दूसरे कस्टमर अटेंड करते हैं, हेलो सर आप BMW कूपे के लिए आए हैं? आई नो दिस 157, 121 आप दे रहे हैं, ठीक है बहुत ही बढ़िया है, 147 तक ले जा सकते हैं सर तो बड़ी कृपा होगी। हेलो सर प्लीज़ कैन यू डू इट फॉर 140, चल ना तेरी ना मेरी 140 में ले जा, डील डन, ले जा ब्रो ले जा, बहुत ही बढ़िया। डॉट चार्जर के लिए मैडम आप आई हैं? ओ गई 31,000 आप दे रही हैं, लेकिन मैंने खुद कितने में, 24,000 में खरीदे, कोई बात नहीं मैं आपकी बात सुनते हुए 36,000 में आपको ऑफर करता हूँ, अब बताओ आपको चाहिए कि नहीं? ओके थैंक यू। हेलो सर आप फरारी के लिए आए हैं? बहुत ही ज़्यादा थैंक यू।
तो आप 4,04,000 की मांग रहे हैं सर? देखिए, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाँ, मैं 5,00,000 में कर सकता हूँ आपके लिए। अगर आप चाहो तो 5,00,000 में ले जाओ, इससे कम आई एम सॉरी सर, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। गोल्डन टेस्ला का सर देख रहे हो तुम लोग? 59,000। वॉट मैडम, क्या कर रही हो आप? 60,000। नाइस, 80,000 में डील डन। चलो मैडम, टेस्ला गोल्डन टेस्ला है, एकदम सड़क पे लेके चलोगी तो एकदम दूसरे लोग देखते रह जाएंगे। नहीं, 75,000 में ले जाओ यार, रो मत अब ज़्यादा मेरे सामने। चलो मैडम, अरे बिल्कुल ही हद है यार, कैसे बदतमीज बंदे हैं। अरे ले जाओ यार, सर में दर्द कर दिया इन लोगों ने तो। यार ये बंदे खरीद क्यों नहीं रहे 70,000 में? तो ले जा भाई, 45,000 की तो मेरे को खुद पड़ी है वो गाड़ी। शायद ये मैडम खरीदे। हाँ, ये शायद खरीदेगी 75,000 की। तो 74,000 में ले जाओ मैडम, चलो बात खत्म, ले जाओ प्लीज। बहुत ही बढ़िया। ओके, ये मैडम आई है फरारी के लिए। चलो, अरे 5,00,000 से कम की नहीं बेचूंगा भाई फरारी। ओ तेरी भाई साहब, ये बढ़िया ऑफर दे रही है मैडम, 5,20,000 में ले जाओ मैडम। बढ़िया ऑफर है, जिंदगी में इससे बढ़िया ऑफर नहीं मिलेगा। बेहतरीन, 5,20,000 में बिक गई। ऑडी आर 8 अभी तक नहीं बिकी, तब तक उस लेम्बोर्गिनी को भी लेकर ही आ जाते हैं। चलो भाई जल्दी जल्दी, रात होने वाली है यार, वो एक कस्टमर आ रही है। जल्दी मैडम जल्दी आ जाओ, ऑडी आर 8 है सेल पे, सेल पे है, सेल पे, फटाफट फटाफट। दुकान बंद करने का टाइम हो चुका है, शोरूम बंद करने का। वो तो फिर भी आप लोग आ गए हो, इसलिए मैं देख रहा हूँ आपको गाड़ियाँ। दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, बस बाल थोड़े से अलग है। 5,35,000 कर दी ना, छोटी बात। और आपने, ओ भाई साहब 7,33,000, बहुत ही बढ़िया मैडम। 8,80,000 में ले जाओ, 8,80,000 में, बेस्ट ऑफर है ये। नहीं तो मैडम 8,50,000 में ले जाओ। चलो, आपकी जिंदगी का बेस्ट ऑफर है ये, इससे बढ़िया ऑफर आपको कोई नहीं दे सकता है। थैंक यू। चलो भाई बिक गई। मेरे पास अब एक स्किल पॉइंट भी है, क्या अनलॉक करूँ मैं? हैप्पी कस्टमर अनलॉक। चलो कॉन्टैक्ट भी सेल पे लगा देते हैं, आराम से इसको मेरे को 8,19,000 मिल जाएंगे। ऑक्शन है, ज़रा ऑक्शन चेकआउट करके आते हैं, क्या है, कुछ बढ़िया माल पानी है कि नहीं? कुछ भी बढ़िया माल पानी नहीं है भाई। चलो यहाँ से काउंटैक देखते हैं और उसके बाद फिर कल मिलेंगे गाइज। 6:22 बोल रहा है ये, 7:30 में डील डन करते हैं। चलो, 7,50,000 ले जा भाई, ले जा ले जा। यार तू तो हद कर रहा है, 7,40,000 ले जा ले जा ले जा, 7,40,000 ले जा यार, 7,30,000 ले जा ले जा। अब तो 7,20,000 ले जा। अब तो मैंने स्किल अनलॉक कर लिया, इसलिए गाइस कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर गुस्सा नहीं होने वाले। चलो भाई, तो इसी के साथ हम लोग लगभग $3 मिलियन की प्रॉफिट तक ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं गाइस। और ये चल रहा है अपना फ्लाइट वीक, तो मैं मिलूंगा तुम लोगों को कल एक नए गेम के साथ। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।